सीधे आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं। नेता विपक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, कहां पहुंचा दी महंगाई। और जहां तक बात शौचालय की है, माननीय राज्यपाल जी ने शौचालय के बारे में भी कहा कि हमने इतने शौचालय बनाए या इतने सरकार में उपलब्धि है सरकार की, अब और कितने शौचालय बने कागजों पे ये तो दिखाना बंद होना चाहिए। कम से कम शौचालय में वो चल भी रहे और कितना पानी पहुंच रहा है उन शौचालयों में। और आपकी उपलब्धि ये भी है, जो उपलब्धि आप जगह जगह बताते हैं कि गैस कनेक्शन हमने दिए हैं, इतने गैस कनेक्शन हमने दे दिए, ये उपलब्धि है सरकार की। ये तो है उपलब्धि सरकार की, हम स्वीकार करते हैं उपलब्धि है सरकार की कि गैस कनेक्शन बांटे हैं। लेकिन सरकार ये ना बताए कि नए गैस कनेक्शन दिए हैं, सरकार को ये बताना चाहिए कि दोबारा सिलेंडर कितने भरे गए। और आपने तो कहा था सरकार बनने के बाद होली पर सिलेंडर फ्री देंगे। बताओ माननीय सदस्य, किसी को फ्री सिलेंडर किसी गांव मिला हो, उसको यहां नहीं मिला हो तो वहां मिला होगा। केवल उन्हीं लोगों के लिए कथा जिन लोगों को उज्ज्वला गैस पे कंट्रैक्ट से मिला, ये योजना वही है माननीय मंत्री। देखिए माननीय मंत्री, ठीक है, कहा गया माननीय मंत्री जी, आप भी कोई और दूसरे कनेक्शन नहीं बताते हो, आप केवल उज्ज्वला वाले कनेक्शन बताते हो। दूसरे कोई कनेक्शन बताते हो तो बता दो हमें, तो उज्ज्वला कनेक्शन है ना, उज्ज्वला योजना के। तो माननीय सदस्य जब इतना बता रहे हो तो माननीय सदस्य ये भी बताना कि दोबारा कितने लोगों ने भरवाया है। और ये भी बता दें कि पिछले महीनों में कितनी बार सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, ये भी बता दें माननीय मंत्री जी।